अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाब नंबर 3 तारीख बरसगीर पाक कोशिश और बरतानवी राज चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 50 पे स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो साथ ही आपको सीकेसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगी। और इसके अलावा और अगर कोई से कोई आपको सब्जेक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन करना है तो आप वो जूम से आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, बरसगीर पाक कोशिश और बरतानवी राज, ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम, बरसगीर पाक हिंद में अंग्रेजों की आमद से पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये कंपनी थी जो के तिजारत के लिए काम करती थी। कैसे बनी? बरस जब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, और उस वक्त जो है बरसगीर में मुगलों की दौरे हुकूमत थी, तो उस जमाने में जो है अंग्रेज कैसे आए और उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और मुसलमानों के साथ क्या कुछ होता रहा, और मुसलमान कैसे गुलाम बने, उन्होंने पढ़ाई इल्म की तरफ तालीम की तरफ कैसे आए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम। बरसगीर पाक हिंद में अंग्रेजों की आमद से पहले अरब ताजर यहाँ तिजारत के लिए आते जाते रहते थे। बरसगीर पाक हिंद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बना था और एक पूरा बरसगीर था और हिंदुस्तान के था, वहाँ पे अरब ताजिर आया करते थे और अपने तजारती सामान बेच कर यहाँ से मुकामी अशिया खरीद कर वापस जाते थे। वो क्या करते थे, अपनी चीजें यहाँ पे अशिया लाते थे, यहाँ से बेचते थे, और यहाँ की अशिया जो सामान होता था बरसगीर का वो खरीद के वापस अपने मुल्क जाके वहाँ पे सेल किया करते थे। यानी कि वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार, यानी कि बरामद और दरामदाद का काम किया करते थे। इस तजारत में इनको काफी नफा होता था, क्योंकि जाहिर बात है बरसगीर की चीजें वहाँ महंगे दामों बेचते थे और वहाँ की चीजें जो है अरब की चीजें यहाँ पे महंगे दामों बेच के जो है वो काफी सारा मुनाफा कमाया करते थे। अरब ताजिर बरसगीर का सामान तजारत की गर्ज से यूरोप भी ले जाते थे। जो अरब के जो ताजिर थे वो बरसगीर का सामान तिजारत का जो सामान था वो यूरोप भी लेके जाया करते थे। इस तरह इनके ताल्लुकात यूरोप के साथ भी अच्छे थे, यानी कि इनके ताल्लुकात जो थे यूरोप के साथ भी अच्छे थे और खुशगवार हो गए थे। यूरोपी ताजरों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी, यूरोपी ताजरों ने कहा कि अरब ताजर बहुत ज्यादा जो है वो तिजारत करके पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना बरसगीर जाएं और वहां जाके तिजारत करें। तो ये उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने सोचा कि वो भी बरसगीर का तिजारती माल अपने तौर पर बेचे। उन्होंने कहा बरसगीर में जाएंगे, अपने वहां पर तिजारती माल बेचेंगे और वहां का तिजारती माल जो है वो बरसगीर में बेचा करेंगे। सबसे पहले यहाँ बरसगीर पाको हिंद, यानी कि पूरा हिंदुस्तान जो था, यहाँ पे बरसगीर में सबसे पहले पुर्तगेजी ताजिरों ने यहाँ पे यहाँ का रुख किया। उसके बाद यहाँ पर और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। इसके बाद वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। इसके बाद यूरोपी ताजर ये भी यहाँ पर आए, तो सबसे पहले पुर्तगीजी आए, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए ताजर, उन्होंने यहाँ पर आकर तिजारत की। यूरोप से आने वाले अकवाम में अंग्रेजों यानी कि बरतानिया जो थी वो बरसगीर की तिजारत में सब तिजारत के बाद जो है सबसे एंड में आई थी और आगे निकल गई थी, और तिजारत के लिए आने वाली दूसरी अकवाम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगेजी और डच, ये सब यहाँ पर आए थे। लेकिन जो थे अंग्रेजों ने यानी कि बरतानिया की जो लोग यहाँ पर तिजारत के लिए ताजिर आए थे, उन्होंने इन सब अकवाम को पीछे छोड़ दिया। 1600 जब इन्होंने बरतानिया ने देखा कि वो अंग्रेजों ने देखा कि वो यहाँ पे बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 1600 में बरतानवी मलका एलिजाबेथ से कानूनी इजाजत, यानी कि कानूनी तौर पर इजाजत नामा लिया बरतानवी मलका से और कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज कहने लगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में बनाना चाहते हैं और यहाँ पे तिजारत करना चाहते हैं ताकि हम खूब सारा मुनाफा कमाएं। मगर इंतजामी और तालीमी जवाल, क्योंकि बरसगीर में इंतजामी और तालीमी जवाल था, इसके बायस उन्होंने रफ्ता रफ्ता पूरे बरसगीर में जो है वो अपना कब्जा कर लिया।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बरसगीर में बन गई, बन रही थी या बन गई, तो मुगलिया दौरे हुकूमत का कैसा उनके उनके साथ मतलब उनका दौर कैसा रहा? मुगल शहनशाह नूरुलद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मुगल शहनशाह जो था नूरुलद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो था कंपनी को बहुत सी मरात, जो मुगल शहनशाह नूरुलद्दीन जहांगीर था, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी मरात को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब फैसिलिटीज देना, सुनौते फराहम की। बुक्स अपनी ओपन रखिएगा प्लीज। और पेज नंबर 50, बहुत सारे तजारती टैक्स भी माफ कर दिए, इनके इम्पोर्ट ड्यूटीज और ये सारे टैक्स ने जो है नूरुलद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने खत्म कर दिए, जिससे अंग्रेज बहुत खुश हुए। अंग्रेज बहुत खुश हुए उनका जो, क्योंकि हर जहाँ भी दूसरे मुल्क में जाओ तो वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटीज या टैक्सेस पे किए जाते हैं जो भी इम्पोर्ट करने जाता है, लेकिन मुगल शहनशाह नूरुलद्दीन जहांगीर ने अंग्रेजों के जरिए सारे के सारे टैक्स खत्म कर दिए, तो उन्हें ज्यादा आसानी नजर आने लगी, अंग्रेज बहुत खुश हुए, इनको अब तिजारत में ज्यादा फायदा नजर आने लगा। अब अंग्रेजों को जाहिर है तिजारत में ज्यादा इनपुट टैक्स पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे, तो उन्हें बहुत सारा जो है वो उन्हें फायदा नजर आने लगा। उन्होंने तजारती कोठियां भी कायम की, इन्होंने यहाँ पे तजारत की कोठियां भी कायम की, जबकि कोठियों का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद एक कंपनी एक सी थी, उस तरह की कोठियां भी बनाई गई थी जो कि चीजें बना के पूरे बरसगीर में बेचती थी और बरसगीर का सामान लेके अपनी कोठियों में रख के अपने यूरोप लेके जाते थे और वो जो है वो तिजारत किया करते थे। जब शहंशाह को का दौर, सॉरी, जब शाहजहां का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कोशिश करके मजीद तजारती मरात हासिल कर ली, शाहजहां ने मजीद फैसिलिटीज जो थी अब वो अंग्रेजों को दी। बरसगीर में मुगलों की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर में, क्योंकि अंग्रेज अपना कब्जा करना शुरू हो गए, तजारत में हर जगह फैल गए, तो मुगलों की हुकूमत रफ्तार रफ्तार कमजोर हो गई, क्योंकि औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह कमजोर थे, औरंगजेब के बाद जो बादशाह थे उनकी जो पॉलिसीज थी, सियासी पॉलिसियां थी जो वो कमजोर थी। अंग्रेजों ने इनकी सियासी कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाया, अंग्रेजों ने इनकी जो सियासी कमजोरी थी मुगल्स की, उनसे पूरा पूरा फायदा उठाया। आखिरी मुगल बादशाह शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था वो इंतहाई कमजोर था, उसकी पॉलिसीज बहुत कमजोर थी और अंग्रेजों ने, और वो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों का मुकाबला ना कर सका, पूरे बरसगीर में जो है वो अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस तरह 1857 की जंग आजादी के बाद, 1857 की जंगी आजादी में आपको बता दूं कि असल में बात ये थी कि जो मुगल्स थे ना, क्योंकि बहादुर शाह जफर, पिछले बार मुगल्स भी और बहादुर शाह जफर खासतौर पे, जब इनको पता चला कि अंग्रेज पूरे बरसगीर पर कब्जा कर चुके हैं, तो बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन जो है वो भी कमजोर रहा और अंग्रेजों ने इसको जिला वतन करके कैद कर लिया था और पूरे बरसगीर पे अपना कब्जा कर लिया। 1857 की जंग में असल में ये हुआ था कि मुसलमान, हिंदू, सिख और बहुत सारे जो बरसगीर की दूसरी अकवाम थी, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के तो हम गुलाम बन के रहेंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों को निकालने के लिए उनसे जंग की, जिसे 1857 की जंग कहते हैं। लेकिन क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बहुत ज्यादा तेज थे, मतलब ये कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिखों सबको और जितनी भी अकवाम जो थी जो लड़ी थी अंग्रेजों से, उनको हरा दिया, पूरे बरसगीर पे अपना कब्जा कर लिया। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया था कि सारा का सारा इल्जाम जो था वो अंग्रेजों पे लगा दिया था। हिंदुओं ने क्या किया कि सारा सारा जो इल्जाम था 1857 की जंग का, वो उन्होंने लगा दिया था मुसलमानों पर, और इसके बाद जो था ये मुसलमान जो थे उनका जवाल बहुत सख्त स्टार्ट हो गया था। इस तरह 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज पूरे बरसगीर के हुक्मरान बन गए थे, क्योंकि उन्होंने ये बहादुर शाह जफर समय जितने भी अकवाम थी, जितने भी मतलब हुक्मरान जो थे, छोटे मोटे जो शहजादे थे, जो भी 1857 की जंग में छोटी रियासतों के जो शहजादे बरसगीर के थे वो भी लड़े थे, तो अंग्रेजों ने इनको हराया, पूरे बरसगीर पर अपना कब्जा
कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, बरतानी हुकूमत का कयाम, जंग आजादी के बाद जो 1918 जंग आजादी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो गई, आजादी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको उसकी हुकूमत जो थी वो खत्म कर दी गई और अब पूरे ये जो अंग्रेज थे वो बरसगीर में बरतानिया हुकूमत बरतानवी हुकूमत कायम हो गई, यानी कि बरतानिया ने अपनी नौआबादियाती कायम कर ली, अपनी हुकूमत कर ली। नौआबादियाती का मतलब ये होता है कि हुकूमत का मतलब ये होता है कि मुल्क किसी और का, अवाम किसी और की, जमीन किसी और की, लेकिन कब्जा किसी दूसरे मुल्क का होता है और वो मुल्क पूरे पूरी हुकूमत करता है किसी मुल्क के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह पूरे बरसगीर में जो है बरतानिया हुकूमत की नौआबादियाती थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ताज बरतानिया को इकतदार की मुंतकली हुई, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ताज बरतानिया बरतानिया को जो है पूरे बरसगीर का जो है इकतदार मिल गया। बरतानिया ने बरसगीर पर करीबन 90 साल हुकूमत की। बरसगीर पर एक अंग्रेज वाइस रॉय मुकरर किया जाता था जिसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। वाइस रॉय कौन होता था? वो बरसगीर में अंग्रेज होता था, बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर होता था जिसे वाइस रॉय कहा जाता था। वाइस रॉय एक अंग्रेज होता था जो कि पूरे बरसगीर में उसके सारे इख्तियार होते थे कि यानी कि सारे जो है वो फैसले करता था और हुकूमत किया करता था और अपनी जो है बरतानिया के जो हुक्मरान होते थे उनको इसकी सारी इंफॉर्मेशन दिया करता था। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट वाइस रॉयज जो थे वो आते रहे और पूरे बरसगीर में इनके जो है मुकरर किए जाते थे, बरतानिया मुकरर करता था और वो जो थे वो पूरे उनके पास सारे इख्तियार होते थे हर फैसले के और वो सब कुछ जो था वो बरतानिया की सारी जो बरतानवी हुकूमत के जितने भी अहकाम होते थे वो पूरे के पूरे बरसगीर में नाफिज किया करता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात, अगरचे जंग आज़ादी में मैंने आपको बताया हिंदू ये लिखा हुआ ना, जंग आज़ादी 1857 में मुसलमान सिखों हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन हिंदुओं ने अपनी चलाकी से अंग्रेजों को यह यकीन दिलाया और यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो इनके वफादार और दोस्त हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को बागी करार दिया गया, उन्होंने पूरे हिंदुओं ने अंग्रेजों को यकीन दिलाया था कि असल में उन्होंने ये सब कुछ मुसलमानों के कहने पर किया था और मुसलमानों को बागी करार दे दिया, जिसके नतीजे में अंग्रेजों हुकूमत ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो दोबारा कभी बरसरे इक्तदार आने के मुतालिक सोच भी ना सके। पेज नंबर 51 ओपन कीजिए, पेज नंबर 51। मुकामी लोगों की ना इतफाकी, क्योंकि मुकामी लोग जो थे उनमें इतफाक नहीं था, अंग्रेजों की जदीद इल्मी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से और तकनीकी तरकीब और टेक्निकल लिहाज से जो थे और हथियार जो थे अंग्रेजों के पास थे, तो बरसगीर के लोग जो थे 1857 की जंग की आजादी हार आजादी में नाकाम हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने बरसगीर के मुकामी बाशिंदों खास तौर पर जब हिंदुओं ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया तो अंग्रेजों ने किया खास तौर पर मुसलमानों को से जबरदस्त इंतकाम लिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुजरिम करार दिया गया क्योंकि इसमें बहादुर शाह जफर भी जंग आजादी में शरीक था और इसको जिला वतन करके कैद कर दिया गया। जिला वतन का मतलब होता है मुल्क से निकाल देना, लेकिन अगर कोई मुल्क से ना निकाले तो उसे कैद कर दिया जाता है। इस तरह मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ और पूरे बरसगीर में बरतानिया हुकूमत ने अपना राज किया। 1857 की जंग लड़ने वाले और अंग्रेजों का साथ देने वाले मुसलमानों का नुक्ता नजर मुसलमानों की आजादी अंग्रेज तसल्लुस से जान छुड़ाना था। 1857 की जो जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, मुसलमानों की ये सोच थी, उनका नुक्ता नजर ये था कि मुसलमानों की आजादी हो और अंग्रेजों से का तसल्लुस से जान छुड़े, यानी कि उनका कब्जा खत्म कर दिया जाए। लिहाजा दोनों तबके के मुसलमानों की तहरीक आजादी में इज्जत तहरीक आजादी में इज्जत की निगाह से देखे गए। जो खास जो मुसलमान थे वो हर लिहाज से जो है वो तहरीक आजादी में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। मुसलमानों को सियासी तौर पर तबाह करने के बाद अंग्रेजों ने खूब मुसलमानों को सियासी तौर पर तबाह किया। मुसलमानों से खौफ, अंग्रेज मुसलमानों से खौफ ज्यादा थे कि वो इन्हें अपनी सल्तनत के लिए मुस्तकिल खतरा समझते थे। अंग्रेज समझते थे कि मुसलमान पूरे के पूरे बरसगीर पे अपना कब्जा करना चाहते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और वो मुसलमानों से खौफ ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सियासी माशरती तालीमी इकतसादी तौर पर तबाह करने के लिए कोई से ना उठाया रखी थी।
जेल में 1857 की जंगी आजादी के बाद के हालात जो है उनका खाका जो है वो पेश किया गया है। 1857 की जंगी आजादी के बाद मुसलमानों के साथ क्या किया गया, उन्हें सरकारी मुलाजमतों से महरूम कर दिया गया, जमीनों से बेदखली का मतलब यह है क्योंकि मुसलमानों के जमाने में जमीनें होती थी। अच्छा मैं पहले आपको बता दूं कि सरकारी मुलाजमतों से बेदखल कर दिया गया, अगर कोई सरकारी या गवर्नमेंट जॉब आती थी तो अखबार में जो आती थी ना एड आती थी कि भाई मतलब इसमें क्या काबिल है पढ़े लिखे लोग जो है सरकारी मुलाजमत के लिए जो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस मुलाजमत के लिए जो है दरख्वास्त देने के अहल नहीं है और मुसलमानों को जो अहल ना करार दे के वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकते थे। मजीदा जो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी खत्म कर दी गई थी। जमीनों से बेदखली जो मुसलमान जो थे उनकी जमीनें थी तो मुसलमानों की जमीनों पे भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। तालीमी पसमानदगी क्योंकि मुसलमान एक तो ये कि कम इतने पढ़े लिखे नहीं भी थे लेकिन मुसलमानों के जो तालीमी मदरसाज होते थे उन पे भी मदरसे जो होते थे उन पे भी अंग्रेजों ने वो खत्म कर दिए थे और इसके अलावा उनकी ताली उर्दू खत्म कर दी गई। फारसी जो जमान थी जो कौमी उस जमाने में ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो खत्म कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि मुसलमानों को संस्कृत और हिंदी जबान को जो है उन्होंने हिंदू अंग्रेजों ने जो है वो प्रमोट किया और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और तालीमी तौर पे मुसलमानों को जो है वो एजुकेशन ना देने के लिए उनके एडमिशन नहीं कराए जाते थे। फारसी की जगह अंग्रेजी को सरकारी और दफ्तरी जबान का दर्जा देना, फारसी जबान जो थी अंग्रेजों ने उसको सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और दफ्तरी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो करार दे दिया। ठीक है कल इंशाल्लाह परसों आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी पेज नंबर 51 का अंग्रेजों फारसी जी अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान मफाहमत कराने में सैयद अहमद खान का किरदार, ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में दूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा।